और वेलकम टू माई YouTube चैनल इस वीडियो पे ऑलमोस्ट 2.9 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं जो कि ऑलमोस्ट तीन साल के अंदर आए. इसका मतलब है तकरीबन एक मिलियन व्यूज़ पर ईयर तो क्या ख़ास बात है इस वीडियो में और स्पेशल बात यह है कि इस वीडियो से ही मेरे चैनल ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया सो तो इससे पहले मेरे व्यूज़ अराउंड हंड्रेड से भी कम आते थे लेकिन आफ्टर दिस वीडियो एकदम मेरा चैनल जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच गया और एक मैसिव ऑडियंस तक मेरी रीच पहुंच गई तो क्या ख़ास बात थी इस वीडियो में और क्या स्ट्रैटेजी थी मेरी इस वीडियो को बनाते हुए बिकॉज़ ये एक प्री प्लान वीडियो थी इसके अंदर कोई फ्लूक नहीं था ऑफकोर्स हमेशा जब भी आप कोई वीडियो डालते हैं तो उसके अंदर चांसेज़ होते हैं उसके सक्सेसफुल होने के और उसके फ़ेल होने के लेकिन इसके अंदर चांसेस काफ़ी हाई थे बिकॉज इट वॉज़ प्री तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ें थीं और वो क्या सोच थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई और किस तरह आप अपनी नीच के अंदर ये टॉपिक फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी वीडियो ज़्यादा चलने के चांसेस हो जाए या आपकी वीडियो वायरल हो जाए तो लेट्स गो अहेड एंड तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे काफ़ी सवाल आते हैं यूट्यूब से रिलेटेड कि किस तरह स्टार्ट करना चाहिए कितने व्यूज़ होने चाहिए क्योंकि स्टैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते तो कुछ स्टैट्स मैं अपने शेयर करता हूँ आपके साथ ताकि आपको एक जनरल व्यू मिल जाए कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये टारगेट्स आपको अपने जिन में रखने चाहिए सब्सक्राइबर्स के लिहाज से और व्यूज़ के लिहाज से एंड सो ऑन तो सबसे पहले सवाल जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि इनिशियल ग्रोथ जो है वो कितनी होनी चाहिए तो इनिशियल ग्रोथ जो है ये काफ़ी रिलेटिव टर्म है और इसके अंदर हर नीच के अंदर डिफरेंट ग्रोथ हो सकती है लेकिन अगर हम एक जेनेरिक बात करें तो उसके अंदर अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो पहले महीने के अंदर अराउंड हंड्रेड सब्सक्राइबर इज़ अ गुड टारगेट तो हंड्रेड सब्सक्राइबर्स मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने ज़ीरो से हंड्रेड सब्सक्राइबर्स तक पहुँचते हुए मुझे एक महीना लग गया था और उसके बाद एक हज़ार सब्सक्राइबर्स पहुँचने तक मुझे और तीन महीने लग गए थे तो ऑलमोस्ट चार महीने मुझे लगे थे एक हज़ार सब्सक्राइबर्स तक पहुँचते हुए और एक साल के अंदर मेरे ऑलमोस्ट थर्टी टू थाउजेंड सब्सक्राइबर्स आए थे ना ये फिगर थोड़ा सा बड़ा है आई थिंक इट्स नॉट इन एवरेज अगर आप एक एवरेज बात करें तो यू शुड टारगेट अराउंड टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स इन वन ईयर तो अगेन वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स तीन महीने से छः महीने तक और अराउंड टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स एक साल तक तो अगर आप ये फ़िगर्स लेकर जा रहे हैं और आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ है तो फिर इवेंचुअली ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बन सकती है और आपको काफ़ी ज़्यादा रैपिडली सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं लेटर ऑन तो ये हो गया इनिशियल uh, ग्रोथ के बारे में दूसरा सवाल मेरे से पूछा जाता है कि हमें कितनी कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करनी चाहिए यूट्यूब पे तो ये भी अगेन एक रिलेटिव चीज़ है बिकॉज़ कुछ वीडियोस होती हैं कुछ नीशीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर वीडियोस बनाना बहुत आसान है आप बस बैठ के कैमरे के आगे बात करते हैं और आधे घंटे के अंदर आपकी वीडियो बन जाती है और फिर आप एडिट करते हैं एन अधर हाफ़ एन आवर और एन अदर हाफ़ एन आवर टू अपलोड और तकरीबन डेढ़ दो घंटे के अंदर आप पूरी वीडियो जो है वो एडिट करके डाल सकते हैं लेकिन कुछ नीचे ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्पेसिफ़िकली हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है क्राफ्ट्स इन्वॉल्व होता है उसके अंदर आपको आइडिया चाहिए होता है जैसे मेरी वीडियोस थी उसके अंदर मुझे पहले आइडिया लेके आना था उसके बाद सोचना था कि कितनी यूनिकनेस है कितना नया है उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और उसकी प्रोग्रामिंग के बाद आप उसको एक्चुअली रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड के बाद एडिटिंग और एडिटिंग के बाद अपलोड तो ये एक लंबा प्रोसेस है और इसके अंदर ज़्यादा टाइम लग सकता है लेकिन ऑन एवरेज टू टू थ्री वीडियोस पर वीक आपको एस्टिमेट रखना चाहिए कोई भी नहीं शो आपकी इनिशियली आपको टू टू थ्री वीडियोज़ पर वीक अगर आप डालेंगे तो ये एक गुड कंसिस्टेंसी है फिर तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि क्वालिटी पे ज़ोर दें या क्वांटिटी पे बिकॉज़ कुछ यूट्यूबर्स हैं वो आपको कहेंगे आपने सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देना है और कुछ यूट्यूबर्स हैं आपको कहेंगे आपने भाई क्वांटिटी पे ध्यान देना है आप जितनी वीडियोज़ बना सकते हैं बस बना दें और बस अपलोड कर दें तो कोई ना कोई तो वायरल हो ही जाएगी तो ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके अगेन uh, इसको जर्नलाइज करना थोड़ा मुश्किल है तो मेरी नज़र में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर इनिशियली आपको क्वांटिटी पे फ़ोकस करना चाहिए क्वांटिटी से बवाद ये है कि आप ये नहीं कि बिल्कुल ही घटिया वीडियो हो उसकी ऑडियो बहुत ख़राब हो या उसकी वीडियो बहुत ही ख़राब हो आ, लेकिन गुज़ारे लाइक वीडियो भी होगी तो आप उसको चलाएँ अच्छी ऑडियो होनी चाहिए गुजारे लायक वीडियो चल जाती है तो कोंटिटी पर फ़ोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करें इनिशियली उसके अंदर मिस्टर बीस ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर आप नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हर वीडियो के अंदर वन परसेंट इम्प्रमेंट लानी है वो वन परसेंट इंप्रोवमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है वो वीडियो एडिटिंग टेक्निक की हो सकती है वो कैमरा चेंज हो सकता है वो ग्रीन स्क्रीन ऐड कर सकते हैं आप पीछे ऑडियो माइक डिफरेंट चेंज कर सकते हैं या कोई ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं कोई भी चीज़ हो सकती है लेकिन हर दफ़ा आपने एक वन परसेंट इनक्रीज़ लाना है और जब आप हंड्रेड वीडियोज़ बना लें तो फिर आप देखें कि आपकी इनिशियल क्वालिटी क्या थी और आपकी एंड क्वालिटी आफ्टर हंड्रेड वीडियोस कहाँ तक पहुँच गई है और ये एक बहुत अच्छा एडवाइस है एंड आई ट्रूली बिलीव कि एवरी परसेंट के साथ हर परसेंट के साथ आपकी वीडियो डेफिनेटली इंप्रूव होगी कुछ चैलेंज ऐसे भी होते हैं जो रेयरली कोई वीडियो अपलोड करते हैं हर दो तीन महीने बाद एक वीडियो अपलोड करते हैं और उनकी वीडियो डायरेक्टली मिलियंस में चली जाती है फॉर एग्जाम्पल मार्क रॉबर्ट जो है जिसकी एवरेज काउट एवरेज व्यूज़ सबसे ज़्यादा है यूट्यूब पर आई बिलीव टू सेवन मिलियन समथिंग था उसका पर वीडियो तो ये एक एबनॉर्मेलिटी है ये बहुत स्पेसिफ़िक केस है ये हर बंदे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है सिमिलरली मिस्टर बीस का जो चैनल है वो भी एक एबनॉर्मेलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल चैनल है आई बिलीव दी बेस्ट चैनल आप उसको कह सकते हैं तो ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं हम बात हैं एवरेज यूट्यूबर की तो एवरेज यूट्यूबर जो एक कंसिस्टेंट कॉन्टेंट uh, को लेके चल रहा है वो क्या कर सकता है वो पहले क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे फोकस करें और क्वालिटी को वन परसेंट इम्प्रूव करता रहे उसके बाद जब उसको एक अच्छी ऑडियंस मिल जाए तो फिर वो ज़्यादा फ़ोकस करे क्वालिटी पे बेशक आप एक हफ़्ते में एक वीडियो अपलोड करें या दो हफ़्ते में एक वीडियो अपलोड करें लेकिन क्वालिटी पे ज़्यादा ज़ोर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है इन द लॉन्ग टर्म अच्छा अब ये सारी बातें हो गई हमने सवालों के जवाब दे दिए अब हम आते हैं अपनी मेन स्टोरी पे तो मेन स्टोरी क्या थी मेरी और मैंने ये किस तरह वीडियो एक्चुअली uh, प्लान की और किस तरह मैंने फ़ाइंड आउट किया कि ये वीडियो एक्चुअली चल सकती है तो हुआ ये कि ऑलमोस्ट थर्टी वीडियोस मैं एट द टाइम बना चुका हुआ था और ऑलमोस्ट मंथ्स मुझे हो चुके हुए थे यूट्यूब पे तो उस वक्त मेरी यूट्यूब की कंसिस्टेंसी अच्छी आ चुकी हुई थी लेकिन मेरे व्यूज़ जो आते थे वो अराउंड हंड्रेड टू हंड्रेड पर वीडियो एवरेज आते थे उसमें कोई ज़्यादा ट्रास्टिक व्यूज़ नहीं थे बहुत सिंपल एक सिंपल चैनल चल रहा था तो मैंने किया ये कि एक दिन मैंने बैठ के आ, कहा कि लेट्स व्यू दिस फ्रॉम अ बिगर पिक्चर मैंने सारी वीडियोस खोली अपने चैनल की उसको एक ओवर व्यू उसका लिया कि ये जो मेरे चैनल में व्यूज़ आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कंसिस्टेंट है मेरे सारी वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट सारी वीडियोस के अंदर तो मैंने वीडियोस डाली थी जिसके अंदर हार्डवेयर भी था जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी था जिसके अंदर एक तो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैं इवन फर्नीचर बनाना सिखा रहा था कि मैंने कैसे अपनी बेड को कबर्ड बेड को टेबल बनाया एंड सो ऑन तो फिर तो मैंने देखा कि ये सारी वीडियोज़ के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कंसिस्टेंट है अगर मैं उसको एक लफ्ज़ में बयान कर सकूँ तो वो क्या चीज़ होगी तो वो लफ्ज़ मेरे लिए जो था उसको हम कहते हैं कीवर्ड वो कीवर्ड जो था वो मेरे लिए था ओपन सी वी ओपन सी वी बेसिकली अगर आप नहीं फेमिलियर वो एक लाइब्रेरी है कंप्यूटर विज़न की अगर आप कंप्यूटर विज़न से नहीं फेमिलियर तो कंप्यूटर विजन बेसिकली ए आई की एक फील्ड है जिसके अंदर आप सिखाते हैं कंप्यूटर को कि वो देखता कैसे है और वो ऑब्जेक्ट्स को कैसे समझता है तो ये बेसिकली एक स्पेसिफिक फील्ड की एक स्पेसिफिक टॉपिक का एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी थी तो ये काफ़ी कन्वर्ज्ड फील्ड थी इसके अंदर आप देखिए ओपन सी वी एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी थी जो मैं बार बार यूज़ कर रहा था अपनी वीडियोस के अंदर तो मैंने ये किया कि मैं गया यूट्यूब पे और चाह के मैंने सिंपली सर्च की ओपन सीवी तो मैंने फिर उ, 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 उन रिजल्ट्स को स्टडी करना शुरू किया कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पे हैं कितनी देर पहले वो वीडियो आई थी इस वक्त लेटेस्ट कॉन्टेंट क्या है और ये सारी चीज़ें मैं देख ही रहा था तो मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन हुई और वो रियलाइजेशन ये थी कि जितनी भी टॉप वीडियोज़ आ रही थी तीन टॉप वीडियोज़ आ रही थी वो एक्चुअली वीडियोज़ नहीं थी वो एक्चुअली प्ले लिस्ट थी तो हर प्ले लिस्ट के अंदर ट्वेंटी टू थर्टी वीडियोज़ थी कंप्यूटर विजन से रिलेटेड ओपन सी से रिलेटेड तो मैंने ये सोचा और उस वक्त मेरी भी एक प्ले थी जिसके अंदर टेन टू फिफ्टीन वीडियोज़ ओपन सी के बेसिक सिखा रहे थे जिसके अंदर हाउ टू तो इंस्टॉल ओपन सी वी एक इमेज इम्पोर्ट कैसे करते हैं इमेज का कलर कैसे चेंज करते हैं एंड सो ऑन तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी लेकिन मैंने ये नोट किया कि किसी ने भी 10-15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाई ही नहीं ओपन सी के टॉपिक पे तो मैंने इस बारे में सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी वीडियोस को कलेक्ट करूं मैंने खुद 10-15 वीडियोस में बना चुका हुआ था तो मैंने कहा भाई इन 10-15 वीडियोस को मैं इकट्ठा करता तो हूँ और उसको मैं एज़ अ कोर्स अपलोड कर देता हूँ जो कि दो तीन घंटे का कोर्स बन सकता है तो जब मैंने ये बनाना स्टार्ट किया जब मैंने ये आइडिया लेके आया तो उसके बाद मेरे जेन में आया कि अब मैं बना ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसके साथ दो तीन प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर लूँ तो वो एक इम्प्लीमेंटेशन को भी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी उसके अंदर कवर हो जाएगा तो फिर मैंने किया ये कि मैंने वो दस पंद्रह वीडियोज़ जो थी उनको एक ही आ, वीडियो के अंदर डाला पूरे चैप्टर्स बनाए और उसके साथ तीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैंने ऐड कर दिए तो ये वो पहली वीडियो थी ओपन सी के ऊपर जो कि और किसी ने नहीं बनाई थी और इसको हम कहते हैं एक लूप होल तो बेसिकली ये एक लूप होल था जो कि पहले किसी ने किया नहीं हुआ था और ये ओपन था फॉर ग्राफिंग तो मैंने बेसिकली फाइंड आउट कर लिया और जाके मैंने देखा कि यार ये चीज़ तो है ही नहीं अभी तक तो मैंने जाके वो वीडियो बना दी और अगेन वो हंड्रेड परसेंट नहीं थी कि ये चल जाएगा चला के देखा डाल के देखा उसके बाद उसके रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स उसके कुछ इस तरह थे पहले दिन ही ये जो वीडियो मैंने अपलोड की नॉर्मली मुझे 100 200 मैंने आपको बताया व्यूज़ आते थे ओवर द पीरियड ऑफ वन वीक लेकिन इस वीडियो को अपलोड करते ही वन थाउजेंड व्यूज़ आ गए पहले दिन में जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग और बहुत एक्साइटिंग था और ना सिर्फ ये वन uh, थाउजेंड व्यूज़ पहले दिन आए कंसिस्टेंटली पाँच सौ व्यूज़ चार सौ व्यूज़ पर डे आना शुरू हो गए फ़ॉर द नेक्स्ट वन एंड हाफ मंथ तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता रहा और इससे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए जहाँ मुझे थोड़े बहुत दस बारह सब्सक्राइबर आते थे फिर तीस चालीस सब्सक्राइबर पर डे आना शुरू हो गए और फिर डेढ़ महीने बाद सडनली एक दिन आया जब ये काउंट जो है जो चार सौ पाँच सौ पर डे था वो एकदम शूट आउट करके सिक्स थाउजेंड आ गया तो ये एक दिन के अंदर ही सिक्स थाउजेंड व्यूज़ आ गए और उसके बाद ये डिप डाउन किया और तकरीबन टू से थ्री थाउजेंड पर डे पे स्टेबलाइज हो गया और आज तक इस वीडियो पे क्योंकि ये एवरग्रीन कंटेंट है सिमिलर व्यूज़ आते हैं टू टू थ्री थाउजेंड पर डे कभी हज़ार आ जाता है कभी डेढ़ हज़ार कभी, कभी दो कभी तीन हज़ार पर डे तो ये एवरग्रीन कॉन्टेंट जो है ये जनरेट हुआ बेसिकली एक लूप होल करने से तो ये आइडिया बहुत सिंपल है आपने करना ही है आपने यूट्यूब पे जाना है अपनी नीच को आपने इतना श्रिंक डाउन करना है कि वो एक लफ्स में रह जाए एक कीवर्ड में रह जाए उस कीवर्ड को आपने यूट्यूब पे डालना है और उनके वीडियोस के रिजल्ट्स को आपने देखना है और उसके अंदर आपने लूप होल्ड ढूंढना है और अगर आपकी नीच थोड़ी डिफरेंट है उसको थोड़ा स्पेसिफ़िक हो के देखें तो मोस्ट प्रोबली अगर एक कोर्स जो कि तीन चार घंटे का नहीं बनाया गया हुआ तो आप डेफिनेटली वो बना के एक हेड स्टार्ट ले सकते हैं अभी भी बहुत सी ऐसी नीशेज़ हैं जिसके अंदर इस तरह के लंबे कोर्सेज़ नहीं बनाए जाते तो आप ये स्टेप लेके ये चीज़ बना सकते हैं बट अगेन पहले स्टार्ट करें छोटी वीडियो से अपना एक्सपीरियंस लें वन परसेंट इम्प्रूवमेंट पर वीडियो लेके आए उसके बाद जैसे ही आपको एक लूप होल नज़र आए जंप करें पकड़ें उसको और अटैम्प्ट करें और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें कि वो आपको इस तरह के रिज़ल्ट दे सकें तो ये मेरी वीडियो जो है ये आज तक चल रही है और ये वन ऑफ़ द मोस्ट सक्सेसफुल वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल पे इवन दो मेरी इससे ज़्यादा सक्सेसफुल वीडियोस भी हैं लेकिन ये मेरी दिल के बहुत करीब है बिकॉज यही वो वीडियो है जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल चला तो आई होप आपको भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि किस तरह आपने जाके एक लूप होल फाइंड आउट करना है और उस लूप होल को आपने स्ट्रेच आउट करके यूट्यूब पर फ़ौर अपलोड करना है ताकि आप जो गैप रिमेनिंग है यूट्यूब पे आप उनको फिल कर सकें ये ना सोचें कि मार्केट सेचूरेटेड है इज़ ऑलवेज़ अ लूप होल आप जाके फाइंड आउट करें हाँ अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा हैं तो लूप होल फाइंड करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है लेकिन अगर जनैरिक लूप होल नहीं मिल रहा तो आप उसको श्रिंक डाउन करें उसको मज़ीद नीच को स्पेसिफिक करें ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको स्पेसिफिक करें और उस तरह आपके लिए ये लूप हॉल फाइंड आउट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहिएगा और मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स के मेरा बिज़नेस मॉडल क्या है और किस तरह मैंने के एक स्टार्टअप कैंपेन चलाई और किस तरह कोर्सेज़ बनाए जाते हैं और बहुत सी ऐसी अमेजिंग टॉपिक्स जो हैं मैं शेयर करूँगा वैल्यूज़ के साथ और अपने स्टैट्स के साथ एनालिटिक्स के साथ ताकि आपको भी समझ आए और आप अपने तौर पे इससे इंस्पायर के खुद भी स्टार्ट कर सकें अपनी बिजनेस जर्नी और अपनी ब्रांड जर्नी सो दिस इज़ इट फॉर टुडे अल्लाह हाफिज